बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज है वो है 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो आज हम सोल्व करेंगे, तो उसका जो ए की वैल्यू उन्होंने दी है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी, बी इंटू ए और ए इंटू ए फाइंड आउट करना है, और बी चौथा नंबर भी है वो भी सोल्व करना है। उसके बाद वो कहते हैं ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए के बराबर, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट सेटिस्फाई। वो क्यों सेटिस्फाई क्यों नहीं करती, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने ये ए की जो वैल्यू दी है वो क्या है, ए की वैल्यू बुक के अंदर दी हुई है, ए बी सी डी तक दी हुई है मल्टीप्लाई, और बी की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, वाई कामा जेड। अब हमें क्या करना है, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक हमें इनको जो है ना मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये उन्होंने दो सेट दिए हैं, ये ए बी है, ए की वैल्यू 1, 2, 3 है और बी की वैल्यू क्या है, ए बी है। तो 1 को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कामन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखें बेटिए, 1 मल्टीप्लाई ए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है, या फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई ए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ट्रू ए आ जाता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये नहीं होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये गलत होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, 1, a होगा, जो इधर पहले होगा वो हम लिखेंगे कामा दे के ब्रेकेट में बंद कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई ए है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकेट्स लाजमी होंगी इसके अंदर यूँ, तो 2 और a है तो हम इसको 2a करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ a है मल्टीप्लाई b है, तो वैसे तो उसका आंसर ए बी आना चाहिए, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका आंसर ये नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा, ए बी होगा, ए कामा बी बी होगा। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी है पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा हमारे पास आंसर क्या होगा, ए कामा वाई, फिर ए को जेड के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ए जेड, फिर कामा, अब बी की टर्न है तो बी को बी कामा वाई कर दें, फिर कामा बी कामा जेड कर दें, उसके बाद क्या है, सी की टर्न है तो आप क्या लिखेंगे, सी कामा वाई, फिर क्या लिख देंगे, कामा सी कामा जेड। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या है, डी है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी कामा वाई, उसके बाद क्या होगा, डी कामा जेड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आंसर, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें जिस तरीके से हम ऑर्डिनरी तौर पर जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। बाकी जो 2-3 आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, या आप दोनों मुझे सोल्व करके असाइनमेंट करके दें, किसका, सेकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी फाइंड आउट करके दें, कि ए मल्टीप्लाई इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए के मुताबिक ये भी आप करके दें। डियर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स से एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, और होमवर्क के असाइनमेंट जो हम देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। देखें, आप लोग ऑलमोस्ट जो है ना 4 घंटे के 5 घंटे के जो ड्रामे होते हैं वो सारे देख लेते हैं, या सारा दिन हम जो है ना मोबाइल लेके जो है ना वो नेट पर फेसबुक पर बैठे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, सारा दिन है वैसे ही गुजार देते हैं। सिर्फ 5 मिनट की वीडियोज़ होती है या 3 मिनट की वीडियो, ये देखें, ये तो 4 मिनट की वीडियो भी नहीं है, 4 मिनट की वीडियो देखें नहीं देख सकते, और जो होमवर्क देते हैं वो सिर्फ 5 या 6 मिनट का होता है, वो भी आप नहीं कर सकते। प्लीज़ ऐसा ना करें, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आप स्टडी कर ले तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे जो है ना आप अपने पेरेंट्स से भी सिंसियर हो जाएंगे और आप अपना फ्यूचर जो वो भी सिक्योर कर लेंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ बी सिंसियर विथ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।